एक शास्त्र भाग है जो पिछले महीने मेरे सामने ताजगी से आया और मैंने जिस बारे में सिखाया भी था वो है एक यूहन्ना 4:4। लिखा है, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, यानी दुष्ट आत्माओं पर, यानी हमने शैतान को पहले से हराया और जय पाई है। क्यों? क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। देखो, जिस सत्य पर आप यकीन करेंगे वही आप पर सदा अधिकार करेगा। यदि आप मानेंगी कि व्यसनाधीनता आप पर हावी है तो वैसा ही होगा। अगर आप चाहती हो कि वही करें जो जरूरी है, और यदि आप दिल से ऐसा चाहती हो तो एक पल सोचो, एक मिनट के लिए सोचो, एक घंटे के लिए सोचो। ये मत सोचो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी पर कैसे कर पाऊंगी, सिर्फ इतना सोचो कि मैं ये अगले 5 मिनट तक कर पाऊंगी, मैं 1 घंटे तक ये प्रलोभन रोक पाऊंगी। मैंने भी यही किया था जब मैंने धूम्रपान छोड़ा था। जिंजर जो शायद एक मामूली बात होगी उन व्यसनों की तुलना में जिनमें अन्य लोग फंसे हैं, पर यह भी मुश्किल था। और मुझे याद है कि मैं रोजाना जीने लगी थी धूम्रपान किए बिना, और हर अगला दिन पहले से आसान होता जा रहा था। मैं ये कह सकती हूँ कि पहले हफ्ते का हर एक दिन मुश्किल था, पर फिर उसके बाद हर एक दिन धीरे धीरे आसान होता गया। और मैंने जाना कि पूरे 30 दिन तक मैं धूम्रपान के बिना रह चुकी थी, और जब ये 30 दिन खत्म हुए तब मेरा वो संघर्ष मेरे लिए बाद में संघर्ष नहीं था। कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जब मुझे गुस्सा आता था, या मैं किसी बात से परेशान होती थी, या मैं ज्यादा थक जाती थी, और सिर्फ आदत के कारण सबसे पहले मैं सोचती ओ अब मैं एक सिगरेट पीऊंगी। पर अब मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। इतने साल धूम्रपान के बिना जीने के बाद आखिरी बात जो मन में आती है वो है, तुम बदल सकते हो, आजाद हो सकते हो। यीशु ने तुम्हें आजाद किया है। आपको यही विश्वास करना है। सुबह जल्दी उठकर कहो, मैं इससे आजाद हूँ, अब मुझे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का व्यसन है, मेरी जरूरत वो है, मुझे अब और किसी बात की जरूरत नहीं है।